काक, भुसुंडी और गरुड़ का प्रसंग। गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पर हो गया था संदेह। तब काक भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई थी श्री राम कथा। लोमस ऋषि के श्राप की वजह से काक भुसुंडी बन गए थे कौवा। वे श्री राम के परम भक्त थे। तो आइए सुनते हैं पूरा प्रसंग। त्रेता युग में श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय मेघनाद के नागपास में श्री राम और लक्ष्मण बंध गए थे। तब देव ऋषि नारद के कहने पर गरुड़देव ने श्री राम लक्ष्मण को नागपास से मुक्त कराया था। इसके बाद गरुड़देव को श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया था। गरुड़देव सोच रहे थे कि अगर राम भगवान के अवतार हैं, तो वे एक सामान्य इंसान की तरह नागपास में कैसे बंध गए। भगवान को कोई भी दिव्यास्त्र बंधक नहीं बना सकता है। गरुड़देव ये बात समझ नहीं सके कि ये सब श्री राम की लीला ही थी। गरुड़देव ने अपने संदेह की बात नारद मुनि को बताई। तब नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया। जब गरुड़देव अपना संदेह दूर करने शिव जी के पास पहुँचे, तो भगवान ने उन्हें काक भुसुंडी के पास भेज दिया। काक भुसुंडी ने गरुड़देव को पूरी राम कथा सुनाई और उनका संदेह दूर किया था। काक भुसुंडी ने गरुड़देव को समझाया कि भगवान ने नर रूप में अवतार लिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वे हर काम अपने अवतार की मर्यादा में रहकर ही करते हैं। ये सब श्री राम की लीला का ही हिस्सा है। काक भुसुंडी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोमस ऋषि के पास पहुँचे थे। लोमस ऋषि के शरीर पर बड़े बड़े रोम थे। उन्होंने शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि जब तक उनके शरीर के सभी रोम खत्म नहीं हो जाते, तब तक उनकी मृत्यु ना हो। लोमस ऋषि से ज्ञान प्राप्त करते समय काक भुसुंडी तरह तरह के तर्क वितर्क करते थे। इससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कौवा होने का श्राप दे दिया था। काक भुसुंडी कौवा बन गए। इसके बाद जब लोमस ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने काक भुसुंडी को राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके बाद काक भुसुंडी श्री राम के परम भक्त बन गए। जय श्री राम।